लोन वराटू घर वापस आइए अभियान से प्रभावित होकर 23 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पित माओवादी भैरमगढ़ एरिया कमेटी में थे सक्रिय। आत्मसमर्पित सभी माओवादी नक्सली बंद के दौरान रोड खोदना, पेड़ काटना एवं नक्सली बैनर पोस्टर लगाने की घटनाओं में शामिल थे। उपरोक्त 23 आत्मसमर्पित माओवादियों में से 20 माओवादियों को DRG बल दंतेवाड़ा एवं 3 माओवादियों को RFT CRPF दंतेवाड़ा के द्वारा आत्मसमर्पण कराने में विशेष योगदान रहा। जिला पुलिस बल और CRPF सभी भटके हुए माओवादियों से अपील करती है कि हिंसा की धारा छोड़कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए निकटतम थाना अथवा कैंप में संपर्क करें और क्षेत्र के विकास में अपना अमूल्य योगदान दें। पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा द्वारा आत्मसमर्पित माओवादियों को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पुनर्वास योजना के तहत 25,000 रुपए प्रोत्साहन राशि एवं पुनर्वास योजना के तहत मिलने वाले सभी प्रकार के लाभ प्रदान कर लोन वराटू अभियान के तहत अब तक 177 इनामी माओवादी सहित कुल 761 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा में जुड़ चुके हैं। दंतेवाड़ा पुलिस के द्वारा अभियान लोन वराटू जो घर वापस आई अभियान है, वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में लगातार लोन वराटू अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत माओवादियों को संरक्षण किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ शासन का पुनर्वास नीति का लगातार प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। उसी के तहत आज दिनांक 29 अप्रैल 2024 को 23 माओवादियों ने सरेंडर करने के लिए आए हैं और वो लगभग सभी भैरमगढ़ एरिया कमेटी में एक्टिव थे और नक्सली बंद के दौरान ये लोग रोड बंद करना, पेड़ काटना और उनका बैनर पोस्टर लगाना उसी का काम करते थे और ये इनमें से ये 23 लोगों में से 20 लोगों को DRG दंतेवाड़ा ने सरेंडर करवाया है और 3 लोगों को CR